अच्छा चलो अब तो चाय बना लाऊं। नहीं चाची जी आप बैठो, हम तो बस जा ही रहे हैं। चाचा जी ये अखबार में क्या पढ़ रहे हो? इसमें रेप, ईव टीजिंग और मर्डर यही चीजें लिखी हुई हैं। ये तो आजकल सारी जगह हो रहा है। हाँ कलयुग आ गया है, लोग अंग्रेज बनने में लगे हैं, अपने पुराने संस्कारों को भूल गए हैं। ये कुछ तो होना ही था। ये जो वुमेन्स राइट और फेमिनिज्म नाम का जो चर्चा फैला हुआ है ना, इसने देश का तो सत्यानाश कर रखा है। औरतों ने तो आदमियों की बराबरी करनी ही है, और करो बराबरी। सुन ले सीख ले चाचा जी, आजकल इसको जॉब का भूत सवार हो गया है। और मैं ये कहता हूँ कि घर को अच्छी तरह से संभाल ले, ये सबसे बड़ी जॉब है। घर पे बोर हो जाती हूँ, पार्ट टाइम जॉब कर लूंगी तो क्या हो जाएगा। सही तो कह रही है। तुम तो चुप ही रहो, अपनी जवान लड़की को बिगाड़ रखा है। शादी का कोई नामो निशान नहीं, इसको तो हीरोइन ही बनना है। आजकल की लड़कियां लड़कों के साथ काम करती हैं, उनके साथ छोटे छोटे कपड़े डालकर घूमने जाती हैं, क्लब जाती हैं, डिस्को जाती हैं, फिर लड़के तो छेड़ेंगे ही ना, फिर वही लड़कियां हल्ला करती हैं और FIR जमा कराती हैं। मैं तो कहता हूं कि आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए अगर लड़कियां अपनी ठीक जगह समझे, ठीक ठाक कपड़े डालें और टाइम पे शादी कराएं और अपनी घर गृहस्थी को संभालें। प्रॉब्लम ये है कि आजकल लड़कियों में शर्म लज्जा नाम की कोई चीज ही नहीं बची है। हाँ आजकल हमारे जैसे बुजुर्ग शर्माते हैं, लड़कों को शर्माने के लिए मजबूर कर दिया है, बट लड़कियों को कोई शर्म नहीं आती। आती है, शर्म आती है। जिस देश में दुर्गा सरस्वती माँ काली के रूप में नारी को पूजा जाता है, जहां लाखों लोग पहाड़ चढ़ते उतरते माँ की जय कहते हैं, वहीं एक लड़की का बलात्कार करके उसे सड़क पे फेंक दिया गया। एक भी इंसान नहीं रुका उसको मदद करने के लिए। ऐसे पाखंडी लोगों के बीच में हम रहते हैं, ये देख के हमें शर्म आती है। अपनी आंखों के सामने जुल्म होते हुए देखकर भी खामोश बैठे अपने भाइयों की लापरवाही पे शर्म आती है, अपनी बहनों की लाचारी पर हमें शर्म आती है। औरत को ये करना चाहिए ये नहीं, उसके लिए ये सही है और ये गलत। अरे औरत की सोच पे पाबंदी लगाने वालों से मैं पूछना चाहती हूँ, और कितनी बलियां लेंगे आप, कितनी जाने लेंगे हमारी। आज भी कई गांवों में लड़कियों के पैदा होते ही उन्हें गला दबाकर मार दिया जाता है। कई लड़कियां दहेज के डर के मारे खुदकुशी कर लेती हैं, तो कईयों को शादी के बाद जला दिया जाता है। लड़की के होश संभालने से पहले ही उसकी शादी करा देते हैं, जैसे कि वो कोई बोझ है उतार फेंकना है। जिस औरत का बच्चा नहीं होता है उसे बांझ कह के ठुकरा देते हैं। क्या एक औरत सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की मशीन है? उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं, कोई पहचान नहीं है? कल्चर और धर्म के नाम पे हल्ला करने वाले इन बुराइयों के खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाते? जिस समाज में सच बोलने वाले को पागल और चुप रहने वाले को समझदार कहा जाता है, वहां सच कौन बोलेगा, आवाज कौन उठाएगा? अब हम चुप नहीं रहेंगे, हम सच बोलेंगे, हम आवाज उठाएंगे और हम बदलाव लाएंगे। Hi, this is Geet. Hi, this is Sharam. Please help us to spread this important message by sharing this video as much as possible. And don't forget to subscribe to our YouTube, Facebook, and Instagram at the official Geet. Thank you.